देखिए, कुतुब मीनार परिसर में जो शिलालेख लगा हुआ है, वो शिलालेख इस बात को कहता है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके वो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे, और उसमें ये भी कहा गया कि इस्लाम का एक तरफ परचम लहराने के लिए और हिंदुओं को एक तरह से चिढ़ाने के लिए, उसका जो भाव ये था कि उसका वर्चस्व दिखाने के लिए ये सब स्ट्रक्चर बनाया गया था। जब हम अंदर घुसे तो अंदर देखा कि उसके तो जो खम्भों में, मेहराबों में, दीवालों में, अनेक जगह वो मूर्तियां थी, जो टूटी फूटी खंडित मूर्तियां भी रखी थी उन्होंने, और कई मूर्तियां साबित भी थी, कई मूर्तियों का अवशेष ही समाप्त कर दिए थे। ऐसे असंख्य उदाहरण है वहां पर। और आप देखिए कि वो जो जिसको आप कुतुब मीनार कहते हैं, मैं तो कहूंगा उसको कि वो विष्णु स्तंभ था और गरुड़ भगवान उसके ऊपर विराजमान थे, तो ऐसे स्तंभ को जिसको ऊपर जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी तोड़ करके उसको पुनर्निर्मित करने की कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन बना नहीं पाए। वो नीचे वाले स्ट्रक्चर से ऊपर वाला कभी नहीं मिलता, क्योंकि स्थापत्य कला का एक अनूठन अनुपम उदाहरण है वो। और हमारा मानना है कि वहां पर जो जितनी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और जो 27 जिन मंदिरों की चर्चा हो रही है, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करके और उनका आलोक वापस लाने की आवश्यकता है। उनका जो हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति मिलनी चाहिए।